Hello students, this is Shalini and this is second part of your lesson, Life Processes. So let's start and read the lesson. Nutrition in human beings. The alimentary canal is basically a long tube extending from mouth to the anus. अब हम देखेंगे nutrition in case of human being. तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी alimentary canal, जो कि long tube की तरह होती है, जो एक्सटेंड करती है माउथ टू एनस. इन फिगर 6.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. व्हाट हैपन टू फूड वंस एंटर इट एंटर आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस द प्रोसेस हेयर. अब यहाँ पर आपकी टोटल ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बताई गई है एंड मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज़ बक्कल कैविटी. यहाँ पर टंग है. यहाँ पे इसके बाद हमारी ईसोफेगस आती है. ईसोफेगस को हम और क्या बोलते हैं, फूड पाइप. उसके बाद ये हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कोलन भी कहते हैं, और दिस इज़ योर एनस. दिस इज़ डायफ्राम. डायफ्राम क्या करता है, हमारे रिब्स जो हमारे लंग्स और जो एब्डोमिनल पार्ट है उसको अलग अलग करता है. दिस इज़ गॉल ब्लैडर जो कि बाइल को स्टोर करता है. यहाँ पर दिस इज़ लीवर, ये हमारा पेनक्रियाज है एंड दिस इज़ योर अपेंडिक्स. एंड अपेंडिक्स का क्या काम है, दिस इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन. ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन रीड करते चलते हैं. वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब हम डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं जो कि एक ही ट्रैक है जहाँ से वो पास करता है. नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर एंड ऑफ सेम टेक्सचर. तो जो फूड है उसको पहले प्रोसेस करना पड़ता है ताकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल हो जाएँ और सारा उसका एक ही टेक्सचर हो जाए. दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ. तो ये कैसे पॉसिबल है, क्रशिंग विद अवर टीथ, ये माउथ में होगा. सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक द पैसेज स्मूथ. अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ये सॉफ्ट होती है, तो जो फूड है उसको भी वेट करना पड़ता है ताकि फूड का पैसेज क्या हो, स्मूथ हो. वेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर्स. अब अगर हम कुछ वो खाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारा फेवरेट है डिश है, तो उस टाइम हमारा माउथ क्या करता है, वाटर करता है, यानी कि सलाइवा सिक्रीट करता है. दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा विच इज़ सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड. अब ये होता क्या है, दिस इज़ एक्चुअली नॉट वाटर बट फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा जो सिक्रीट करता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड. तो यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड. इफ़ इट इज़ टू बी अब्जॉर्ब फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिनको एंजाइम कहते हैं. अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या एंजाइम्स. The saliva contain an enzyme called salivary amylase that break down starch, which is complex molecule, to give simple sugar. This thing is also equally important. यहाँ पर कि जो saliva जो enzyme contain करता है उसका नाम क्या है, salivary amylase.
दैट ब्रेक डाउन, वो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है. दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल शुगर. यानी कि जो सलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च को किस में तोड़ देता है, सिंपल शुगर में. द फूड इज़ मिक्स थॉरली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय मस्कुलर टंग. जब हम च्यू करते हैं फूड को तो वो उस टाइम सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है. और हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज, जो क्या करता है, जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में. नाउ इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट. द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ अ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड. अब जो लाइनिंग होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, वहाँ पर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, यानी कि रिदमिक मूवमेंट होती है जिस वजह से फूड क्या है, मूव करता है. और जो फूड मूव करता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ये होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसी होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ये हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है. डन. फ्रॉम माउथ द फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू अ फूड पाइप जिसको ईसोफेगस बोलते हैं. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि फूड पाइप होती है जिसको ईसोफेगस कहते हैं. द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड वेन फूड एंटर्स इट. अब स्टमक क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है और वो एक्सपैंड हो जाता है जब उसमें फूड जाता है. द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद द डाइजेस्टिव जूसेस. अब जो मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक हैं वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस से फूड को मिक्स करती हैं. द डाइजेशन इज इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टमक. अब यहाँ पर स्टमक में क्या आता है जी, इम्पॉर्टेंट एक गैस्ट्रिक ग्लैंड. दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और ये क्या रिलीज करते हैं, HCl. अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस. एक पेप्सिन एंड म्यूकस. तो यहाँ पर हमारा अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ स्टमक में, वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन. दिस एंजाइम एंड म्यूकस. अब काम क्या है इसका, अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. अब एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा जो पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, तो पेप्सिन चाहिए. व्हाट आर द फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय एसिड. द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन. तो म्यूकस किस लिए प्रेजेंट होता है, कि जो HCl है कहीं वो हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है उसके लिए हार्मफुल ना हो, इसलिए वो म्यूकस प्रेजेंट होता है. तो ठीक है, आपको समझ आ गया यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको पेप्सिन बोलते हैं वो प्रेजेंट है. तो एक आपको पेप्सिन वर्ड भी याद कर लेना है. तो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है पेप्सिन. नेक्स्ट हम देखते हैं, We have often heard adult complaining about acidity. अब हमने सुना है कि कुछ लोग acidity की बात बोलते हैं, तो can this be related to what has been discussed above? और ये acidity किस वजह से है, जब हमारी जो stomach की wall है वहाँ पर mucus उसको balance नहीं कर पा रहा है, तो वो acidity उस वजह से होती है. The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amount into small intestine. अब sphincter होता है, उसकी मदद से जो food है अब वो stomach से कहाँ को enter होगा जी, small intestine को. From stomach the food enters into small intestine. This is the longest part of alimentary canal which is fitted into compact space because of extensive coiling. तो लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का,
स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव क्वाइलिंग, क्वाइलिंग ज़्यादा हुई होती है जिस वजह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कहते हैं। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। हर्बीवोर ईटिंग ग्रास नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड एंड मीट इज ईजियर डाइजेस्टेड। सो कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया है कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन किस पर डिपेंड करती है और किस में कितनी होती है। हर्बीवोर्स दे ईट ग्रास एंड दे हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। उनके पास जो इंटेस्टाइन होती है दैट इज लॉन्गर, और जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया। नेक्स्ट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर हमारी क्या क्या डाइजेस्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज़। और इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रिया काम में आती हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन बाय अ पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करता है और उसको एल्कलाइन बना देता है। सो बाइल जूस फ्रॉम लीवर एकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्ट ऑन फैट्स। तो बाइल जूस कहाँ से आता है? बाइल जूस आता है हमारे लीवर से। और एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर बट इट इज़ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है बाइल का। बाइल आता कहाँ से है? लिवर से, ठीक है। और स्टोर कहाँ पर होता है? स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर, ठीक है। फैट आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। बाइल सॉल्ट का काम क्या है? बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो बाइल का काम क्या है? फैट मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। यहाँ पर आपको बाइल का फंक्शन बता दिया गया है। तो अगेन यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, बाइल के बारे में बताया है, फंक्शन ऑफ बाइल। दिस इज सिमिलर टू एमल्सीफाई एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्न्ड अबाउट। तो ये सिमिलर है जो एक्शन ऑफ सोप होता है उसके किसके ऊपर? डर्ट के ऊपर। द पेनक्रिया सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सीफाइड फैट। अब एक और चीज़ आती है हमारे पास, पेनक्रियाज के बारे में बताया गया है। पेनक्रियाज क्या सीक्रीट करते हैं? पेनक्रियाटिक जूस जो कंटेन करता है एंजाइम ट्रिप्सिन जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, और लाइपेज जो ब्रेक डाउन करता है हमारे एमल्सीफाइड फैट को। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सीक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड। और जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है वो क्या करता है? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये जो अभी हमने एक पैरा पढ़ा, ये दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसमें से आपके ऑलमोस्ट 5 to 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको विलाए बोलते हैं। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ कहाँ को लिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोजेक्शन होती हैं जिनको हम विलाए बोलते हैं वो इंक्रीज करती है
उसका सरफेस एरिया फॉर द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन. तो यानी कि हमारी अब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, फूड की अब्जॉर्प्शन. द विलाए आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक अब्जॉर्ब फूड इन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. तो जो विलाए होती है वो क्या होती है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ से जो हमारा अब्जॉर्ब फूड है वो हमारे बॉडी के पूरे सारे सेल तक पहुँच जाता है. वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड टिश्यूज. द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट इन टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल अब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द मटीरियल. अब जो अनअब्जॉर्ब फूड है वो कहाँ पर चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर इट्स वॉल अब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द फूड मटीरियल. अब वहाँ पर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर अब्जॉर्ब करती है फूड मटीरियल से. द रेस्ट ऑफ मटीरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी बाय एनस. और जो बाकी मटीरियल बच जाता है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से थ्रू एनस. द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटीरियल इज़ रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर. तो लास्ट में आपके एनल स्फिंक्टर होता है, उसके थ्रू ये वेस्ट मटीरियल निकल जाता है. नेक्स्ट आपको यहाँ पर टॉपिक बताया है डेंटल केरीज, इसको भी देख लेते हैं. व्हाट इज डेंटल केरीज, डेंटल केरीज. तो डेंटल केरीज और टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन. इनेमल एंड डेंटाइन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारे टीथ में प्रेजेंट होते हैं. इट बिगिन व्हेन बैक्टीरिया एक्ट ऑन शुगर प्रोड्यूसेस एसिड दैट सॉफ्टन एंड डीमिनरलाइज द इनेमल. तो ये किस वजह से होता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल की वजह से. मासेज ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विद फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म अ डेंटल प्लाक. सबसे पहले डेंटल प्लाक बनता है. सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सर्फेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लाक कवर्स द टीथ. नाउ ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लाक बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स एंड इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन. तो ये हमारी